शुरू करें चलिए सो गुड आफ्टरनून आफ्टर सोडे विल बी टॉकिंग अबाउट प्रोजेक्ट अप्रेजल ठीक है आपने सी एम वन में ऑलरेडी आपके पास टाइम वैल्यू ऑफ मनी का काफी सारा नॉलेज है मतलब मेरे से भी ज्यादा नॉलेज है बट uh, मैं आपको थोड़ा कैश फ्लोज के बारे में जो आपका पार्ट बी है विच वॉज सिले पहले के हिसाब के से उसके बारे में आई ट्राई टू जस्ट गिव यू एन आइडिया राइट सर्टन कैश फ्लोज बोल के जो आपका पार्ट है उसका हम लोग कुछ कुछ टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे मैं उतना हार्ड कोड फॉर्मूला में नहीं जाने वाला एनोटेशन में भी नहीं जाने वाला आई एल बी यूजिंग वेरी सिंपल एनोटेशंस राइट क्योंकि हमारा मेन फोकस इज टू बिल्ड द कॉन्सेप्ट ठीक है ये वाला जो मैं पढ़ाऊंगा आज इसमें सी बी वन जो लोग कर रहे हैं एज कॉम्बो तो उनको भी बहुत फायदा होने वाला है बिकॉज़ टू टॉपिक्स इन प्रोजेक्ट ठीक है इसको शुरू करने के पहले मेरे को आपको एक बैकग्राउंड देना पड़ेगा फाइनेंस का राइट right? वो फाइनेंस का बैकग्राउंड के बाद आपको ये प्रोजेक्ट अप्रेजल समझ में आएगा ठीक है आई मूव अ वेरी स्लो पेस जैसे कि सबको समझ में आए एंड टूडेज क्लास एंड टूमारोज क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सी एम वन करिकुलम आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू गिव अ प्रॉपर जस्टिस क्योंकि एक फैकल्टी का एक लेवल है आप लोगों ने आई ट्राई टू मैच दैट बट कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर करवा दूंगा वर्ड फाइनेंस राइट अगर मेरे को मेरे को बोलता है फाइनेंस वट इज फाइनेंस फॉर यू या हाउ डू यू मैनेज मनी मैनेजमेंट ऑफ मनी इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क अगर मेरे पास समझो एक करोड़ रुपया है और मैं उसको तिजोरी में बंद करके रख दू मेरे पास एक करोड़ रुपया है मैं उसको तिजोरी में बंद करके रख दू राइट सो आई हैव सेफ गार्डेड द मनी सो दिस सेव गार्ड इज प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ मनी नो एंड यू ऑल नो दंसर वॉट आर वी लूजिंग एक्चुअली अगर मैं एक करोड़ रुपए को तिजोरी में बंद करके रख दूम आई एम आई एम लूजिंग इंटरेस्ट रिटर्न राइट जिसको अपन ऑपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं क्या बोलते हैं

इट मीन्स आप किसी और के टुकड़ों पे पल रहे हैं सिंपल फंडा यही है और अगर आप उठो खाओ बॉडी को काम पे लगाओ कहीं जाके मजदूरी करो आपको पैसे मिलेंगे जिस प्रकार इंसान को खटना पड़ता है वैसे ही पैसे को भी एम्प्लॉय करवाना पड़ता है वी नीड टू एम्प्लॉय मनी ऑल्सो देन ओनली दैट मनी विल गिव मी रिटर्न पैसे से पैसा बनता है ये बात सच है दिस इज ट्रू दिस वॉट यू हैव स्टडीड इन टाइम वैल्यू ऑफ मनी पैसा पैसा बना के दिया उस पैसे को आपने खा लिया यू विड्रॉन द अर्निंग्स सो दैट सिंपल इंटरेस्ट फॉर यू पैसा पैसा बना के दिया आपने उस पैसे को वापस से री इन्वेस्ट किया दैट्स ग्रोथ रिटेंशन आज को सैक्रिफाइस करोगे ना तो कल अच्छा होगा लेकिन दो टाइप के लोग होते हैं देर आर टू टाइप्स ऑफ पर्सन कल क्या होगा मुझे फर्क नहीं पड़ता आई वॉन्ट टू लिव टूडे सो दे आर सिंपल इंटरेस्ट टाइप ऑफ पर्सन एक बंदा है जो अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोच रहा है बहन की शादी के लिए सोच रहा है मां की आंखों का इलाज के लिए सोच रहा है दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट सो ही कीप ऑन सेविंग 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 इज गुड बट टू मच ऑफ सेविंग टू डेज लाइफ ऑल्सो जिसको अपन कंजूस बोलते हैं कोई अगर आपका दोस्त पैसा खर्चा नहीं कर रहा ना तो पक्का वो कंपाउंडिंग कर रहा है कहीं ना कहीं कोई अगर पैसा नहीं कर रहा है तो उसको कंजूस मत बोलना आज से इफ समन इज नॉट स्पेंडिंग अर्निंग एंड नॉट स्पेंडिंग इट मीन्स दैट पर्सन इज डूइंग कंपाउंडिंग अलग अलग नजरिया है लोगों का देखने का बट यू हैव टू एम्प्लॉय द मनी बिकॉज मनी हैज इट्स कॉस्ट सबको समझ में आ रहा है तो ये आपने पढ़ रखा है प्रेफरेंस इन्फ्लेशन राइट परचेसिंग पावर डिक्रीजेज ओवर टाइम यू ऑल नो द ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी सो नीड टू

हाँ? इन्वेस्टमेंट हाँ? तो मैंने पक्का प्रोजेक्ट अप्रेजल किया होगा आज हम आपको बताएंगे हम कितना कमाते हैं लोगों को लगता है हम करोड़ों बना रहे हैं लेकिन मैं आपको एक्चुअल में बताऊंगा हमें चाहे मर नहीं कितना आठ सौ ना ना झूठ बोल रहा है देखो ये ये भी मैं आपको बताऊंगा मैंने उसको 800 बोला है हमारे घर में ना एक मेंटालिटी होती है सपोज इफ आई एम अर्निंग वन लैख इफ आई एट होम दैट आई वांट वन लैख पूरा वैनिश हो जाएगा द मोमेंट यू से दैट यू हैव 40 तो घर वालों को भी मालूम है जितनी आमदनी उतना खर्चा अगर आप पूरा अपना अर्निंग्स बता दोगे ना मैं तो शादीशुदा हूं मैंने सात फेरे लिए मतलब सात फेरे लिए सात वचन था उसमें एक वचन ऐसा भी था जिसमें मैंने ना बोला था हमारे पंडित जी बोले कि आप जितना कमाएंगे जो जो कमाएंगे अपनी वाइफ को बताएंगे मतलब नहीं बताऊंगा इस कंडीशन पे अगर मंजूर है तो हाँ बोलो उन्होंने कहा जब आप कोई नया कार्य शुरू करेंगे तो आप अपनी धर, धर्मपत्नी को साथ में रखेंगे मैं लाया हूं अपने साथ मैंने नया घर लिया है उसका गृह प्रवेश था मैंने लाया लेकिन जो जो चीज मेरे को नहीं करना था मैंने क्लियरली बता दे कि नहीं मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मेरे को मालूम है आज के दिन पे अगर मैं बताऊं मैं इतना कमाता हूं पूरा खत्म हो जाएगा सो ऑलवेज यू डिस्कलोज लेस टू योर फैमिली मेंबर्स थोड़ा सा बचा के रखो क्योंकि द एंटायर ऑन ऑन योर शोल्डर इन माई एंटायर फैमिली इन माई एंटायर फैमिली नो वन नोस वॉट एक्चुएटर अर्न एक्चुअली एक्सेप्ट मी सो आई एम द राइट पर्सन टू गिव यू दूनिट इकोनॉमिक्स ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन टूडे ठीक है सो हम लोग फाइनेंस का बात कर रहे हैं राइट right? फाइनेंस इज ए ग्रेट सब्जेक्ट तो आज मैंने यहां पे पैसे लगाए ना तो पैसे कहां से आए ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है खाली प्रोजेक्ट अप्रेजल के बारे में सोचोगे तो नहीं होगा आई हैव डन दिसिस मेरे को ब्रेक इवेंट मालूम है मेरे को यह भी मालूम है कि आज मैंने फोर्टी लैक्स अगर इन्वेस्ट किया है यहाँ पे इन हाउ मेनी डेज आई गेट इट बैक बिकॉज़ कैपिटल रिकवरी इज ऑल्सो ग्रेट कंसर्न आपने किसी से पैसे लिए ठीक है मैं सपोजी लैक्स किसी बाजार से लेके आता बंदा मेरे को पूछेगा ना दो चीज पूछेगा क्या कितना देगा ब्याज और कब लौटाएगा किसी भी लेंडर का दो मेन कंसर्न होता है वेन यू विल रिपे एंड हाउ मच इंटरेस्ट यूल गिव मी so don't you think i have to think about break even also ki mera ye paisa jo maine invest kiya kitne saal mein ye mera paisa wapas aayega so that i can repay my lenders so ye sara discussion hum log karenge aaj so when i am thinking about investment उसके पहले मेरे को एक चीज के बारे में बात करना है is the borrowing part. Sir कहां से आएंगे ये चालीस लाख वट आर दोर्सेज यू कैन यूज टू बोरो फंड ऑर्गेनाइजेशन में देर आर सो मेनी डिपार्टमेंट आप लोग जब जॉब करने जाओगे ना एक होता है जो माल बेचता है जिसको अपने इंश्योरेंस एजेंट बोलते हैं एक होता है जो प्रोडक्ट बनाता है आप लोग यू विल बी इन द प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम एक बंदा होगा कि जब क्लेम लॉज होगा उसको सर्वे करेगा दैट इज सर्वेयर कुछ कुछ एडमिन स्टाफ भी होंगे अकाउंटेंट्स होंगे एक बंदा ऐसा होगा ऑर्गेनाइजेशन में जो फाइनेंस देखेगा इतना पैसा आपको इन्वेस्ट करना है उसके पहले आपको ये पैसा आएगा कहां से वो सोचना है हमारे पास रखा हुआ था पैसा अलमारी में से हमने तिजोरी की चाबी निकाली अलमारी खोला पैसे निकाले और इन्वेस्ट कर दिया बट सौ में से इक्के दुक्के ही ऐसा जो ऐसा कर पाएंगे देर आर वेरी फ्यू हु एबल टू डू दिस सर ये पैसे कौन से पैसे ये मेरा पास्ट अर्निंग्स है निंग जिसको मैंने कल के लिए बचा रखा था आज वो कल आ चुका है अगर मैं ये तिजोरी का पैसा भी निकालकर यूज करूं तो भी आई हैव टू थिंक अबाउट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सर आप ही का पैसा है बट आई टोल्ड यू न मनी टाइम वैल्यू इन पैसों को अगर मैं एफ डी करता तो आठ परसेंट कमाता इन पैसों का अगर मैं म्यूचुअल फंड करता तो बारह टका कमाता इन पैसों का अगर मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता तो मैं पंद्रह टका कमाता तो फाइनेंस हैज टू साइड्स वन इज फ्रॉम वेयर टू बोरो वेयर टू इन्वेस्ट तो कंपनी का जो फाइनेंशियल ऑफिसर होता है ना चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर उसका काम ये होता है कि वो फंड्स को बोरो करेगा और फिर उसको इन्वेस्ट करेगा बोरो करने के लिए उसके पास बहुत सारे सोर्सेज हैं अगर मैं फाइनेंस की बात करूं फाइनेंस में दो एस्पेक्ट होता है एक होता है फाइनेंसिंग डिसीजन दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन हमको डिस्कस इन्वेस्टमेंट डिसीजन करना है बट इसको डिस्कस करने के लिए अपन को फाइनेंस के बारे में बात करना पड़ेगा फाइनेंसिंग डिसीजन के बारे में बात करना पड़ेगा तुम लोगों ने अभी तक क्या सीखा है प्रेजेंट वैल्यू निकालना सीखा है ना प्रेजेंट वैल्यू में तुम लोग एक आई पकड़ते हो हा? ई पकड़ते हो ना टानते हो ना यही तो करते हो कैशलोस को वॉट यू डू यू ब्रिंग डाउन द कैशलोस टू प्रेजेंट दिस इज वॉट यू डू वॉट इज दैट आई इंटरेस्ट रेट यू नो दॉट इंटरेस्ट रेट एंड आई 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 एक्सप्लेन यू जस्ट फाइव मिनिट्स बैक दैट आई इज ऑल्सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यस और नो तो कैन आई से ट आई इज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग फंड अरे भैया जिस रेट से आप बोरो किए हो उतना तो कमाओगे ना कम से कम एंड वॉट इज दैट बोरोइंग रेट दिस इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ द लेंडर दिस इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ द शेयर होल्डर तो जो आई से जो अपन टानते हैं ना वो फाइनेंस बोरोइंग साइड से आता है उस आई को अपन इन्वेस्टमेंट साइड में यूज करते हैं तब मालूम चलता है कि ये इन्वेस्टमेंट फ्रूटफुल है कि नहीं है तो डोंट यू थिंक दैट वी नीड टू डिस्कस फाइनेंस साइड, साइड द फल्सो राइट सो फाइनेंसिंग डिसीजन इज वॉट आपको पैसे चाहिए एक प्रोजेक्ट के लिए वो पैसे कौन कौन से सोर्सेस से आएंगे तो अगर मैं आपको बोलू सोर्सेज ऑफ फाइनेंस so some will say equity yes or no some will say debentures bahut simple hai some will say equity some will say debentures अभी suppose करो मैंने 20 20 लैक्स बोरो कर लिया 20 लैक्स यहां से बोरो किया यहां से बोरो किया मेरे पास अपने पैसे नहीं है मेरे इक्विटी मेरा ही है ट्वेंटी लैक्स जो मैंने बोरो किया है लेंडर इज रेट उसका बहुत सिंपल सा फंडा होता है वो क्या करता है जो भी परचेसिंग पावर होती है ना इन्फ्लेशन उसमें वो टू परसेंट एक्स्ट्रा ऐड कर लेता है अलग अलग लोगों के लोगों का जो आई होता है ना इंटरेस्ट रेट द अपॉर्चुनिटी द रेट ये सबका अपना अपना वैरी करता है अभी मैं लोन ले रहा हूं एक ठो मेरे को 8.7 परसेंट में मिल रहा है वही लोन मैं अगर दूसरे बैंक से लूंगा तो 8.4 परसेंट प्राइवेट सेक्टर से लूंगा तो 12 परसेंट कच्चे में लूंगा तो 16 परसेंट राइट अपना अपना है सामने वाला कौन है उसका ड्यू इंटेलिजेंस करने के बाद बोर अपना रेट बताता है सामने वाला सिक्योरिटी में क्या दे रहा है लोन दे रहा है ना सामने वाला मेरे को सिक्योरिटी मांगेगा ना गहना लाइए घर गिरवी रखिए सिक्योर्ड है कि अनसिक्योर्ड है आपने ऑलरेडी पहले किसी से ले रखा है क्या So, ये आई वेरी करेगी हमारे केस में इट इज टेन परसेंट अब ये पैसा मेरा अपना इक्विटी वाला राइट right? इक्विटी होल्डर का जो मांग होता है ना वो लेंडर से ज्यादा होता है क्योंकि दे आर द रेसिडरी रिस्क बियर इनको अपन क्या बोलते हैं प्रॉफिट होगा ऑर्गेनाइजेशन में तो ही आपको डिविडेंड मिलेगा नहीं तो नहीं मिलेगा लेंडर को बोलो ऐसा पैसा ही नहीं देगा तुमको ये लेंडर का टॉलरेंस लेवल इज वेरी लो खेलता है को लोग की भूख कम रहती है क्योंकि लोग में रिस्क लेने का उतना कैपेसिटी नहीं है हैव रिस्क बियरिंग कैपेसिटी एकदम सिंपल सा फंडा है। 20 लाख का मेरा मांग है ट्वेंटी परसेंट ये मेरा एक्सपेक्टेशन है मेरा रुपया है का पगला है का हम और कहीं से ले लेंगे तुमसे नहीं चाहिए हमको ले लो शेयर होल्डर का जो मांग होता है ना इट्स वेरी डिफिकल्ट टू क्वांटिफाई। आज मैं एक ऐसा बिजनेस में पैसा लगा रखा हूं जहां पे 40 परसेंट का रिटर्न आ रहा है तो मैं तुम्हारे बिजनेस में पैसा क्या लगाएगा मेरा एक फ्रेंड है राइट सरदार जी वो कहीं और पैसा लगाता ही नहीं है वो अपना धंधा में ही पैसा लगाता है बोलेगा पटवारी आई अर्न फोर्टी परसेंट ऑन माई कैपिटल वाई वुड आई गिव इट टू यू मैंने उसको बोला म्यूचुअल फंड कर ले कुछ एफ कर ले पागल है क्या चालीस टका रिटर्न है मेरा प्रॉफिट में बिजनेस में सो बेसिकली इन्वेस्टर्स की जो मांग होती है ना वही तुम्हारे लिए आई बनेगा उसी से तुम टानोगे इन प्रोजेक्ट अप्रेजल बिकॉज देयर इज अ फाइनेंस साइड यू नीड टू बोरो मनी अगर आप अपना ही पैसा क्यों ना लगा रहे हैं, तो भी देयर इज आई ऑपरचुनिटी कॉस्ट ऑपॉर्चुनिटी कॉस्ट का बेस्ट डेफिनेशन होता है हाइएस्ट प्रॉफिट फॉरगोन। अगर इस पैसे को मैं खटाऊं, इतना तो आएगा ही आएगा तो वो पैसे मैं वहां नहीं लगा के आपको दे रहा हूं आप एक जगह नौकरी कर रहे हो आपकी बारह लाख रुपए तनख्वाह है अब मैंने आपको बोला आप मेरे साथ आ जाओ आप मेरे साथ आ जाओ आई एम मेकिंग यू ट्वेंटी फाइव परसेंट पार्टनरशिप पहला बात तुम जॉब छोड़ के धंधा करने आ रहे हो फ्रॉम सर्विस योर प्रोफाइल विल नाउ बिकम बिजनेसमैन ओनर सर्विस में आपको सुकून है महीने का लाख रुपए आएगा बिजनेस में एक रिस्क है आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है आप पूरा एनालिसिस करोगे ना तो एक बात बताना आपको प्रॉफिट एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आपका 12 लाख होना चाहिए 12 लाख से कम होना चाहिए कि 12 लाख से कई ज्यादा होना चाहिए कई ज्यादा होना चाहिए तब आप इस डिसीजन में आओगे अगर ऑर्गेनाइजेशन 80 लाख का प्रॉफिट बनाएगा तो मैं आऊंगा आपके पास ऑर्गेनाइजेशन अस्सी लाख का प्रॉफिट बनाएगा मेरा पच्चीस टका का शेयरिंग है तो मेरे को बीस लाख मिलेंगे उसमें रिस्क इन्वॉल्व है बीस लाख में रिस्क इन्वॉल्व है धंधा कर रहा हूं मैं हमारे धंधे में भी रिस्क इन्वॉल्व है बट विद गॉड ग्रेस उच भाई लोग डेढ़ साल में ब्रेक इवेन कर लेगा ऐसा रेस्पॉन्स आ रहा है फुल कैपिटल विल बी रिकवर्ड इन वन एंड हाफ इयर्स ये अपॉर्चुनिटी हुआ ना तो तुम्हारे लिए बारह लाख हो गया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इस बंदे के लिए बारह लाख का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया हमारे पास बच्चों का फोन आता है सर अच्छी कंपनी मिली है लेकिन लाख रुपया कम है तुम एक जगह डेटा एंट्री का काम कर रहे हो पंद्रह लाख तुम्हारी सैलरी है डेटा एंट्री का काम करो पंद्रह लाख सैलरी है आई सीन सो मेनी स्टूडेंट्स मैं नाम नहीं लूंगा मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हूं पूरे देश में मेरा वीडियो चल रहा है अभी बड़ी बड़ी कंपनीज, अठारह लाख बीस लाख का पैकेज दे रही है खाली एक एक्चुअली से डेटा एंट्री का काम करवा रही है प्रोफाइल पसंद नहीं आया स्टूडेंट को स्टूडेंट हमें कॉल करके बोल रहा है सर पैसा तो बहुत है आराम भी है लेकिन काम करके मजा नहीं आ रहा दूसरा जगह से ऑफर आया दे आर टेकिंग मी इनटू द प्रोडक्ट टीम लेकिन पैकेज 16 लाख है अब बताओ अगर मैं ऑपरचुनिटी कॉस्ट का प्रिंसिपल से जाऊंगा तो आई शुड एक्सेप्ट और शुड नॉट एक्सेप्ट दी ऑफर मेरे को नया जॉब लेना चाहिए अगर ऑपरचुनिटी कॉस्ट का प्रिंसिपल से जाऊं तो नहीं लेना चाहिए क्योंकि मैं अभी बीस लाख कमा रहा हूं पागल है क्या लाख का नौकरी छोड़ के सोलह लाख में आऊंगा चार लाख का नुकसान हो जाएगा मेरा। कम कमाऊंगा दैट्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बीस लाख कमा रहा था वो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन गया जब मैं स्विच ओवर करूंगा लेकिन क्या आप खुश है अपने काम से नहीं बंदो ने स्विच किया है इतना पढ़ा इतना देर से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का ज्ञान मिल रहा है अल्टीमेटली वो काम ना आया हुआ ना दिस इज वॉट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इज ऑल अबाउट इन्वेस्टमेंट में भी होता है कई बार दिखेगा बहुत अच्छा है रिटर्न भी बहुत अच्छे हैं पर लोग कभी नहीं जाते हैं कुछ कुछ लोग बहुत कंजर्वेटिव सोचते हैं अगर इफ यू कम टू मी टू विथ अगर मेरे पास एक बिजनेस प्रपोजल लेके आएंगे और अगर उस बिजनेस प्रपोजल में रिटर्न्स 20 परसेंट से ज्यादा है मैं आपके बिजनेस में पैसा नहीं लगाएगा क्योंकि इन माय आईज़ ट्वेंटी परसेंट इज अ डिसेंट रिटर्न गुड रिटर्न उससे ज्यादा है मतलब आप पक्का कुछ गलत काम कर रहे हैं ये मेरा थिंकिंग है मे बी आई एम रॉन्ग एनी बिजनेस गिविंग अ फिफ्टीन ट्वेंटी परसेंट रिटर्न ओवर दस इज फाइन विथ मी थर्टी फाइव फोर्टी हजम नहीं होगा बहुत ज्यादा खाना में बटर डाल दिया है मसाला डाल दिया है मिर्च डाल दिया है हाँ पाओगे क्या नॉट पॉसिबल सेम चीज है लोगों का जो एक्सपेक्टेशन है उसको आपको फुलफिल करना है अगर आप ये एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं करेंगे तो व्हाट दे विल डू सपोज इफ एक्चुएटर्स डू नॉट लीव टू योर एक्सपेक्टेशन आप नेक्स्ट अटेम्प्ट में क्या करेंगे स्विच करेंगे ना भाई सेम इज द केस विद इन्वेस्टर इन्वेस्टर में जहां पैसा लगाया है अगर वो धंधा उनको अच्छे तरीके से कमा कर नहीं दे रहा है तो क्या करेगा बेटर ऑल्टरनेटिव ढूंढेगा हमारे साथ भी यही है अगर आज हमने जो वादा किया है जो कहा है उसको अगर भली भांति नहीं निभाएंगे तो इन चेहरों को छह महीना बाद देख नहीं पाएंगे सिंपल सा बंडा है बिजनेस में भी ऐसा ही होता है एंड हाउ इन्वेस्टर शो देर एग्रेशन यू नो हाउ इन्वेस्टर शो देर एग्रेशन दे विल गो इन टू स्टॉक मार्केट दे विल स्टार्ट सेलिंग द शेयर सभी कोई सभी कोई बाजार में जा जाके अपना शेयर को बेचेगा एवरी वन विल स्टार्ट सेलिंग द शेयर्स

मार्केट में देखना जब कोई बेचता है एक बायर खड़ा रहता है उसको लेने के लिए तब जाके उसका प्राइस रहता है हाँ हो सकता है यहां बीस लोग बैठे हैं मैं इक्के दुक्के का एक्सपेक्टेशन फुलफिल ना कर पाऊ हाई पॉसिबिलिटी किसी किसी का बहुत सुपर डुपर एब एक्सपेक्टेशन होता है बट वी आर नॉर्मल ह्यूमन बींग्स आई कैनॉट ऑफ यू नॉट पॉसिबल अभी भी होते हैं 200 300 बच्चों में चार पांच बच्चे ऐसे रहते हैं जो अभी भी रूठे हुए हैं कुछ कुछ तो हमारे डिस्काउंट पॉलिसी से रूट गए मैं क्या करूं इसमें द डे वी हैव कम डिस्काउंट पॉलिसी सटे स्टूडेंट है इन्वेस्टर का मन बनाए रखना बहुत जरूरी होता है तो वो जो एक्सपेक्टेशन बोल रहा है ना वो आपके लिए कॉस्ट बनेगा राइट right? तो अभी अगर कोई मेरे को बोलेगा व्हाट इज कॉस्ट ऑफ फोर्टी लाख फंड बीस लाख फंड का कॉस्ट कितना है ट्वेंटी परसेंट और बीस लाख फंड का कॉस्ट कितना है टेन परसेंट राइट सो हाउ मच इज टोटल इन्वेस्टमेंट एनी वन मैंने फोर्टी इसका कॉस्ट क्या होगा मैं आपको बताता हूं बीस लाख का ट्वेंटी परसेंट कितना हुआ फोर लाख। और ट्वेंटी लाख का टेन परसेंट कितना हुआ टू लाख। तो कुल मिला के कितना हो गया अगर मैं अमाउंट में करूं तो बट आई नीड इन परसेंटेज सो दैट इज सिक्स लाख बाई फोर्टी लाख इन टू हंड्रेड ये क्या हो भाई हाँ ऐसे बोलो ना वही मैं बोला मेरा मेरा मैथ इतना तो कमजोर नहीं हो भाई एक्सेल क्यों कमजोर हो रहा है पंद्रह परसेंट का रिटर्न आ रहा है दोस्त। दोस्तीन परसेंट इज कॉस्ट ऑफ फोर्टी आपने एवरेज क्यों निकाला वेन आई इन्वेस्ट मनी ना

इक्विटी वाला पैसा इस पर मैं ज्यादा ज्यादा कमा के दूंगा ऐसा नहीं होता है द पेस एट विच इन्वेस्टमेंट गिवस रिटर्न दैट इज कॉन्स्टेंट सोर्स यू बोरो सो इज नो लिंक बिटवीन सोर्सेज एंड इन्वेस्टमेंट द ओनली थिंग विच वी नीड इज आई दिस आई इज डिस्काउंटेड इसके बहुत सारे नाम है दिस आई इज कट ऑफ रेट दिस आई इज मिनिमम रेट दिस आई इज ऑल्सो नोन एज कैपिटलाइजेशन रेट सीधा सा बात है पंद्रह टका से टनने का है समझ में आया बात दिस फिफ्टीन परसेंट योर ऑपॉर्चुनिटी कॉस्ट पंद्रह परसेंट आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ये तो मैंने खाली कॉस्ट बताया आपको आई जब आप बोरो करते हो ना आप और भी बहुत सारा चीज देखते हो यू सी सो मेनी थिंग्स व्हेन यू बोरो फंड्स कितना रिस्क इन्वॉल्व है इक्विटी वाले को रीपेमेंट का प्रेशर नहीं है डिवेंचर होल्डर वाले को रीपेमेंट का प्रेशर है पांच साल में पैसा चुकाना होगा टाइमिंग वेन आर बोरोइंग फंड मार्केट बूम में है कि रिसेशन में है थोड़े दिन पहले कोई कंपनी अगर डिवेंचर लेके आती थी ना लोग उसको देखते तक नहीं थे क्योंकि स्टॉक मार्केट पंद्रह बीस परसेंट का रिटर्न दे रहा है कौन आठ नौ परसेंट में इन्वेस्ट करेगा मैं बॉम्बे गया था कॉन्फ्रेंस में वहां आईसीआईसीआई बैंक का बहुत बड़ा हेड आया था मतलब वो बैठा था और एक तरफ इक्विटी वाला आदमी बैठा था ओपन माइक में ही है सेट। बोला आज का इस बाजार में वैन इक्विटी इज गिविंग 15 20 परसेंट हु इन्वेस्ट इन बॉन्ड हमारा पूरा बिजनेस इक्विटी वालों ने ले लिया ये स्टेटमेंट है उसका सो कॉस्ट इज नॉट द ओनली फैक्टर आर लॉट ऑफ सेवरल फैक्टर्स बट दैट इज नॉट अवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन सो आपको पैसा चाहिए आप शेयर इशू करो आप डिबेंचर इशू करो इसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल सिक्योरिटीज क्या बोलेंगे आपको पैसा चाहिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी बेचो बेचो फाइनेंशियल सिक्योरिटी फाइनेंशियल एसेट्स शेयर बेचो आईपीओ लेके आओ मैम बोली ना आईपीओ आईपीओ लेके आइए डिबेंचर इशू करिए पैसे आएंगे पैसा आ गया अब हमारा काम चालू होगा अब हमारा काम चालू होगा सर एक काम करो मेरे पास एक टाइम मशीन है ठीक है ऐसे हाथ रखते हैं टाइम मशीन को ऐसे घुमाते हैं पांच साल आगे चले जाते हैं और देख लेते हैं कि कंपनी में प्रॉफिट्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है अगर आ रहा है तो पैसे लगा देंगे नहीं आया तो नहीं करेंगे एक पिक्चर भी आया था शायद क्रिश में भी दिखा है फ्यूचर देख रहा है वो लोग है ना ऐसा है क्या बना है क्या कोई टाइम मशीन नहीं इन्वेस्टमेंट आज करना है बाद में मालूम चलेगा तो एक इनिशियल प्रोजेक्ट अप्रेजल करना है इनिशियल प्रोजेक्ट अप्रेजल करने का है बेसिकली आपको कैश फ्लो प्रेडिक्ट करना है यू हैव टू प्रेडिक्ट द कैश फ्लोज फोरकास्ट द कैश फ्लोज तो हम लोग भी करेंगे अभी फोरकास्ट लेकिन उसके पहले मैं आपको प्रॉफिट और कैश फ्लो में डिफरेंस क्या ये बता रहा हूं एक अकाउंटिंग स्टूडेंट को कुछ हद तक आइडिया है कि प्रॉफिट और कैश फ्लो में क्या फर्क होता है जब अपन प्रोजेक्ट अप्रेजल का बात करेंगे ना अपन कैश फ्लो के बारे में बात करेंगे अपन प्रॉफिट के बारे में बात नहीं करेंगे ठीक है सो हमारा 40 लाख का इन्वेस्टमेंट हुआ है क्लियर उसका हमारा कॉस्ट लगा पंद्रह परसेंट तो ये हमारा आई हो गया अपन इसे टानेंगे ठीक है अभी मैं आपको बताऊंगा प्रॉफिट और कैश फ्लो में क्या डिफरेंस है व्हाट इज प्रॉफिट एनी वन दिट इज इनकम माइनस एक्सपेंसेस ठीक है चलो फीस एवरेज में हमारा टिकट साइज है पच्चीस हजार का एवरेज में जीएसटी सरकार को देना है तो एक्स जीएसटी हमारा फीस है बीस हजार एवरेज पच्चीस हजार कैसे है समझ में आ गया ना किसी का कोर्स का फीस हमारा तेरह हजार पांच सौ है किसी का बाईस हजार पांच सौ है किसी का इकतीस हजार आठ सौ है हा इस तरीके से किसी किसी का पच्चीस हजार ही है तो ये हमारा एवरेज पच्चीस हजार आता है ठीक है एवरेज फीस हमारा बाईस से पच्चीस के बीच में आता है उसमें हमारा 18 परसेंट जीएसटी फ्लैट है तो, तो हमारा है ही नहीं तो अपन अभी जीएसटी को छोड़ के बीस हजार हमारा फीस है ठीक है अब हम लोग हमारा एक्सपेंसेस का बात कर रहे हैं क्लियर नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट आवर एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस रफली सिक्सटीन थाउजेंड अप्रोक्सीमेटली है पर स्टूडेंट ठीक है हिसाब कर लो 2000 का हमारा डैशबोर्ड ठीक है हजार रुपये हमारा जो दो तीन किताब आप लोगों को मिलती है उसकी प्रिंटिंग कॉस्ट पांच सौ रुपये एवरेज में हमारा कोरियर चार्ज कुछ कुछ किसमें बचता भी है जैसे अब दिल्ली वाले बच्चों को यहीं से लेना पड़ेगा उतना इनडेप्थ में डीप प्रॉफिट कैलकुलेशन में नहीं जा रहा बट ओवरऑल मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए कोई स्टूडेंट अगर हमें कहता है सर डिवाइस चेंज कर दो हम नहीं करते हैं क्योंकि द मोमेंट आई चेंज डिवाइस हमारा टू थाउजेंड का एडिशनल कॉस्ट लगता है साढ़े तीन हजार हो गए देर आर काउंसिलर्स वीडियो मैनेजमेंट ऑफिस स्टाफ यहाँ का रेंट है राइट इन सब मिला के हमारा एवरेज आउट किया हुआ है सोलह हजार हमारा खर्चा आता है ठीक है तो कितना बचा चार हजार बच गया ठीक है चलो अभी हमारा उम्मीद है 200 स्टूडेंट्स ठीक है 200 स्टूडेंट का हमारा उम्मीद है फर्स्ट ईयर में सौ अप्रैल वाले के लिए और और सौ सितंबर वाले के लिए ये जो अभी सौ आएंगे वो तो रहना ही है सितंबर में हंड्रेड परसेंट है ठीक है तो अगर मैं ओवरऑल अगर देखू इसको मल्टीप्लाई करूं टू हंड्रेड स्टूडेंट से सो करीबन हमारा प्रॉफिट आएगा एट लैक्स ठीक है अभी हमारा एक खर्चा और है डेप्रीशिएशन वन मोर कॉस्ट इज देयर विच इज डेप्रीशिएशन ये हमारा एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है ये हमारा एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है अभी हमें डेप्रीशिएशन देना है अकाउंट्स में देते हो ना सो so, ये सब हमारा वो खर्चा है जो अपन कैश में पेमेंट करते हैं राइट सो डेप्रीसिएशन कैसे आएगा सर बहुत सिंपल है हमने टोटल इन्वेस्टमेंट कितना किया है चालीस लाख ये चालीस लाख हमारा फिक्स एसेट है हमारे बिजनेस में करंट एसेट बोल के कुछ नहीं होता क्योंकि हम सर्विस में हैं वी आर इन टू सर्विस ट्राई टू अंडरस्टैंड अगर आपके आपको कोई बिजनेस शुरू करना है वेन यू वॉन्ट टू स्टार्ट अ बिजनेस सम मनी मेजर मनी जो होता है आपका फिक्स एसेट में लगता है जैसे आप जमीन खरीदोगे फिर उसकी फेंसिंग करोगे फिर वहां पे शेड बनेगा फिर अंदर में प्लांट एंड मशीनरी लगेगा सब रेडी है फैक्ट्री पूरा रेडी है रिबन कटने वाला है क्या अगले दिन से कमाई आएगी क्या करना पड़ेगा रॉ मेटेरियल प्रोडक्शन करने के लिए अपने पास रॉ मेटेरियल होना तो, तो कुछ इन्वेस्टमेंट अपन को रॉ मेटेरियल में भी करना पड़ता है कुछ पैसे मुझे वेजेस के लिए भी रखने पड़ेंगे हमारे यहां ऐसा नहीं है बच्चा फीस दिया प्रिंटिंग हाउस को बोल देंगे भैया एक किताब रेडी कर दो तो हमारे बिजनेस के लिए रॉ मेटेरियल बोल के सर्विस में जनल को हाँ ये चीज होता है कि जब अपन बिजनेस करते ये तो आपको 40 लाख लग रहा है हमारा इन्वेस्टमेंट है इनिशियल इन्वेस्टमेंट 20 लाख रुपया हमारा अलग से रखा हुआ है बैंक में अभी सर वो किस लिए रखा है कैश बर्न अगर कोई शॉक टैंक देखा होगा तो उसको कैश बर्न का मतलब मालूम होगा कल को मान लो आपका धंधा ना चले आपके कैश फ्लोज ना आए बच्चों का एडमिशन ना हो तो आप क्या करेंगे भाड़ा तो देना ही पड़ेगा किताबों का खर्चा नहीं होगा कोरियर नहीं होगा डैशबोर्ड का पेमेंट नहीं करना पड़ेगा भाड़ा तो देना है ना स्टाफ की सैलरी भी देनी है तो उसको अपन कैश बर्न बोलते हैं कल को अगर आपका धंधा ना चले तो उसके लिए आपने कितने महीने का बफर लिया है चौबीस महीने का एग्रीमेंट है यहां पे आज के दिन पे अगर मैं ये जगह छोड़ू पच्चीस लाख रुपए का पेनल्टी है मेरे पे एग्रीमेंट में क्लॉज वैसा है तो बीस लाख का मैंने बफर कैश रखा है अगर मेरा धंधा ना चले तो चालीस लाख तो हमने इन्वेस्ट कर दिया ऑलरेडी लेकिन अब हमें लग रहा हम उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी गाड़ी चल पड़ी है राइट तो फोर्टी लैक्स का हमने एसी खरीदा है इतना सारा कंप्यूटर खरीदा है राइट ये सब हमारे फिक्स्ड एसेट्स है यहां पे, ये सारा चीज फिक्स्ड एसेट किसको बोलते हैं जो आपको सर्विस प्रोवाइड करने में या गुड्स प्रोडक्शन करने में हेल्प करें यहां पे एक ऐसा एक चीज बताओ जो मेरा सर्विस प्रोवाइड करने के लिए नेसेसरी नहीं है ईच एवरीथिंग इज नेसेसरी क्या आ, क्या बोल रही हो यही तो है मेरा आंख मैं जब कलकत्ता में रहता हूं यही मेरा आंख है इसमें वॉयस भी आता है कौन क्या बात कर रहा है सब सुनाई देता है और इसको मैं वो फोन से जूम भी कर सकता हूँ कौन फोन में क्या देख रहा है किससे क्या चैट कर रहा है वो भी दिखेगा पापे यहां से वहां पूरा डायरेक्ट जूम होता है वो चालीस लाख का हमारा इन्वेस्टमेंट है इसकी लाइफ क्या मालूम है दस साल तो अकाउंट्स में एक प्रिंसिपल है मैचिंग प्रिंसिपल बोल के मैचिंग प्रिंसिपल बोलता है ये एसेट आपको 10 साल तक कमा कर देगा तो आप इसका खर्चा को 10 साल तक तोड़ तोड़ के थोड़ा -तोड़ा 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 थोड़ा 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 खर्चा दिखाएंगे एक होता है सैलरी एक होता है भाड़ा जो हर साल आपको हर महीना देना है वो ये खर्चा है ये एक्सपेंसेस ये एक्सपेंस में क्या क्या है सैलरी रेंट इलेक्ट्रिसिटी अदर्स ये मेरे को हर महीना देना है लेकिन जो फिक्स एसेट है चालीस लाख का ये क्या हर महीना देना है वन टाइम इन्वेस्टमेंट है इसी के लिए आपको पैसे चाहिए तो चालीस लाख हमने इन्वेस्ट किया है इसकी लाइफ दस साल है इसको आप 10 साल तक यूज कर सकते हैं बीच बीच में कुछ कुछ डैमेजेस वगैरह होगा रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस। तो इस 40 लाख का चीज को आप तोड़ तोड़ के दिखाएंगे क्या करेंगे क्या करेंगे आप तोड़ तोड़ के दिखाएंगे आने वाला 10 साल में तो आपका डेप्रिशिएशन कितना हुआ दोस्त 40 लाख डिवाइडेड बाई टेन ईयर्स माइनस फोर लाख तो ये हमारा आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स चार लाख का रिजर्व मैं बता रहा हूं आपको बना लिया है मैंने रिजर्व भी ठीक है बीस हजार हमारा एवरेज फीस है सोलह हजार हमारा कॉस्ट है प्रॉफिट हमारा चार हजार राइट right? डेप्रीशिएशन हमारा चार लाख तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया लेस इनकम टैक्स एट द रेट ट्वेंटी फाइव परसेंट देना है सरकार को माइनस एक लाख ठीक है कितना आया ये वाला कमाई सर को मालूम है दिस इज प्रॉफिट रफली भाई अदर इनकम भी है ना ये तो मैंने यहां का बताया है समझा नहीं फिर से बोलो ना, तो नहीं नहीं चीज को समझो आई एम ऑलरेडी इन थर्टी परसेंट ब्रैकेट इफ आई कीप ऑन एडिंग बिजनेस उन सारे बिजनेस में मेरा पच्चीस परसेंट टैक्स लगेगा हाँ। नहीं ये तो आपका आपका टाइप ऑफ बिजनेस एंटिटी है अगर आप सोल प्रोपराइटर हैं तो आपका पांच लाख तक टैक्स नहीं है उसके ऊपर में आपका ऐसे करके स्लैब वाइज है कंपनी का सीधा स्टेट पे फिफ्टी फिफ्टी ट्वेंटी फाइव परसेंट है, uh, है। पार्टनरशिप फॉर्म अगर आपने बनाया है तो स्टेट पे थर्टी परसेंट है राइट सो आई एम नॉट गोइंग इन टू बट टैक्स रहता है तो ये हमारा प्रॉफिट है राइट right? हम लोग जो प्रोजेक्ट अप्रेजल का बात करते हैं उसमें अपन ये प्रॉफिट को कंसिडर नहीं करते हैं ये प्रॉफिट को कंसिडर नहीं होगा हमारा व्हेन वी व्हेन वी डिस्कस अगर कोई आपको पूछेगा वॉट इज योर रिटर्न ऑन कैपिटल तो तीन लाख चालीस लाख ,00 कितना आ रहा है भैया सेवन पॉइंट फाइव परसेंट सो ये हमारा प्रॉफिट परसेंटेज का रिटर्न है दिस इज अकाउंटिंग रेशियो इसको क्या बोलेंगे अपन ये हमारा अकाउंटिंग रेशियो है ये सभी को आता है ये अगर किसी ने इलेवेन ट्वेल्व अकाउंट्स पढ़ा है तो प्रॉफिट इसी तरीके से निकलता है वो अलग बात है आप टी फॉर्मेट बनाते हैं यहां पे सेल्स लिखते हैं फिर सारा खर्चा लिखते हैं मैंने इकट्ठे लिख दिया तो बीस हजार आपका यूनिट प्राइस है सोलह हजार का आपका यूनिट एक्सपेंस है चार हजार आपकी प्रॉफिट हो गई मल्टीप्लाई विथ टू हंड्रेड स्टूडेंट्स टू हंड्रेड वॉल्यूम एट लाख इज योर टोटल माइनस डेप्रीशिएशन क्योंकि आठ लाख कमाए इन्हीं एसेट्स को यूज करके यस और नो दिस एसेट इज हेल्पिंग मी इन प्रोवाइडिंग सर्विस प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया इनकम टैक्स पेमेंट कर दिया मैंने हमारा प्रॉफिट आ गया तीन लाख रुपया अभी हम लोग हमारे डिस्कशन में वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दिस इसके बारे में अपन बात नहीं करेंगे अपन कैश फ्लो के बारे में बात करेंगे कैश फ्लो मीन कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो अगर आप देखोगे ये वाला हमारा कैश इनफ्लो है ये वाला हमारा कैश आउटफ्लो है ये हमारा नॉन कैश है और ये वाला हमारा कैश आउटफ्लो है दिस वन इज आवर नॉन कैश अपन प्रॉफिट नहीं निकाला मैं आपका अकाउंट्स पढ़ा रहा हूं क्या मैं आपको कैश फ्लोज बता रहा हूं मैं आपको प्रोजेक्ट अप्रेजल बता रहा हूं तो प्रोजेक्ट अप्रेजल में कभी भी प्रॉफिट को लेकर डिसीजिंग फैक्टर नहीं होता है मैंने आने वाले साल के कैश फ्लो प्रेडिक्ट करना है प्रॉफिट नहीं ये तो जस्ट मैं ईयर वन का बताया हूं ऐसे करके आप हर साल का करेंगे ऐसे करके आप हर साल का करेंगे ये जो प्रॉफिट है ना इसको लोग कंट्रीब्यूशन भी बोलते हैं क्या बोलेंगे इसको कंट्रीब्यूशन जब आप सेलिंग प्राइस से वेरिएबल कॉस्ट को लेस करते हैं ना एक्सपेंसेस को जब आप लेस करते हो तो उसको आपको कंट्रीब्यूशन बोला जाता है उस फैक्टर को तो अगर आप मेरे को बताओ इस पर्टिकुलर ईयर का कैश फ्लो क्या है मैंने तो बता दिया इनफ्लो आउटफ्लो बता दिया आपको कोई भी लेमेन चाहे तो फटाक से मेरे को बता देगा

ऑनलाइन क्या अनिल सही है ऑनलाइन स्टूडेंट्स इज अनिल ओके पलक ने बोला यस प्रणीत यस हार्दिक यस केशव यस ऑनलाइन खोल लिया क्या आंसर इज सेवन लाख। चालीस लाख का मेरा इनफ्लो है खर्चा मेरा थर्टी टू लाख है नेट मेरा कैश फ्लो कितना हुआ आठ लाख और उसमें से खाली टैक्स माइनस होगा एक लाख सो माय कैश फ्लो इज हाउ मच सेवन लाख। बहुत सिंपल है सर अपन एक काम करते हैं अपन एक काम करते अपन डेप्रीशिएशन को कंसीडर ही नहीं करते हैं गलत डेप्रिशिएशन से आपका प्रॉफिट कम हो रहा है डेप्रिशिएशन से आपका प्रॉफिट कम हो रहा है प्रॉफिट कम हो रहा मतलब आपका टैक्स कम लगेगा ना सो डेप्रीशिएशन इज अ टैक्स सेविंग मैकेशन से आपका टैक्स बचता है बट दैट इज नॉट अ कैश आउटफ्लो सो टैक्स आउटफ्लो निकालने के लिए तुमको डेप्रीशिएशन तो कंसिडर करनी ही पड़ेगी मैं आपको बताता हूं

दिस इज वन वे दूसरा तरीका क्या मालूम है दोस्त लो, दूसरा तरीका है प्रॉफिट विदाउट डेप्रिशिएशन निकालो तुम प्रॉफिट निकालो विदाउट तो यहां तक सही है डेप्रीशिएशन जीरो आठ लाख ये दो लाख तुमने प्रॉफिट निकाला डेप्रीशिएशन को कंसिडर नहीं किया है दोस्त लाख आएगा अब डेप्रिशिएशन का टैक्स सेविंग्स अलग से ऐड कर दो डेप्रीशिएशन की आप टैक्स सेविंग्स अलग से ऐड कर दो चार लाख का पच्चीस परसेंट सीधा फोर लाख एट द रेट ट्वेंटी फाइव परसेंट पार्सेंट ना सात लाख दिस इज कैश फ्लो आफ्टर टैक्स दो तरीका है आदर यू गो बाय दिस वे और यू गो बाय दिस वे बट अपन को डेप्रिशिएशन एक बार लेस करना ही पड़ेगा कहीं बच्चा पूछते है बच्चे सर काय को लेस किया जब नीचे ऐड करने का था तो बट उनको तो समझ में आना चाहिए ना उनको तो समझ में आना चाहिए कि उसके कारण टैक्स का बचत हो रहा है अकाउंटिंग के हिसाब से दिट इज एन एक्सपेंस थिंकिंग ऑफ प्रोजेक्ट अप्रेजल खाली मनी 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 के बारे में बात हो रहा है पहले शुरू इसी से किया था मैनेजमेंट ऑफ मनी से तो नॉन कैश कहां से कंसिडर करूं तो दो तरीका है भैया प्रॉफिट विद डेप्रीसिएशन निकाल के डेप्रिशन को अलग से जोड़ दो प्रॉफिट विदाउट डेप्रिसिएशन अगर करोगे तो खाली टैक्स सेविंग्स ऐड होगा अब तुम लोग को कैश फ्लो समझ में आ गया सर का हाँ सबको समझ में आ गया तो घर में क्या मालूम है घर में क्या मालूम हम कितना कमाते हैं तीन लाख टोटल का बात करो हाँ लेकिन एक्चुअल में बैंक में कितना पैसा है सात लाख अभी मोहतरमा ने हमसे एक सवाल पूछा था सर रिजर्व कहां से मेंटेन करेंगे तो हमको ऐसा लगा चीज अकाउंटिंग बैकग्राउंड रिजर्व क्या होता है फ्यूचर के बारे में सोचो और उसका प्लानिंग आज करो राइट right? दहेज लेना खराब बात नहीं है कोई सामने वाला दे रहा है तो मना नहीं करना चाहिए मैं आपको बता रहा हूं मैं मेरा पूरा बात समझ लो अगर मैं, मैं गलत लगू तो मेरे को आप बोलना सपोज करो ये चालीस लाख गिफ्ट में आए होते मेरे पास ठीक है और उस चालीस लाख रुपए से मैंने ये साम्राज्य तैयार किया ठीक है हर साल की कमाई मैंने खर्च कर दी एवरी ईयर मैंने जो कमाया मैंने खर्चा कर दिया इसकी लाइफ कितनी है इस एसेट की दस साल दस साल के बाद में बदलना पड़ेगा ये एसेट मुझे बदलना पड़ेगा ना उसके पैसे कहां से आएंगे सोचो दो मिनट सोचो उसके बाद जवाब देना फिर से कर लो नहीं शादी बट हम लोग तो ऐसा कर नहीं सकते ना अभी मैं दिसंबर में मैं अपना मनाऊंगा और उसी सेम डे में तुम्हारा सर का शादी है तो मैंने तो बोला जो पैसे आए थे तो सब खत्म हो गए अब या तो मैं इलेवेंथ साल शुरू करूं या नया बिगिनिंग शुरू करूं तो मैंने नए तरकीब निकाली बोला अपना छोड़ो छोटे भाई का करा दो <laughs> सारा एसेट अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है वापस से फंड चाहिए ना कहा से आएगा नहीं सरदार जी तो सरदार जी पूरा मगन हो गए उनको खाली शादी शादी दिखाई दे है भाई हम पढ़े लिखे लोग हैं ऐसा काम नहीं करते हैं मैं आपको बताता हूं कहां से आएगा एक ही बार मांगा है मैंने बार बार नहीं मांगूंगा मैंने हर साल चार लाख रुपए का डेप्रीसिएशन दिया है हर साल मैंने चार लाख का डेप्रिसिएशन दिया है प्रॉफिट कितना रिपोर्ट किया तीन लाख घर पर मैंने क्या बताया तीन लाख लेकिन हर साल मेरे बैंक में बैलेंस कितना आ रहा है सात लाख आ रहा है सात लाख मेरा कैश फ्लो है प्रॉफिट तीन लाख ही है मतलब पटवारी जी हर साल कहीं ना कहीं चार लाख रुपया सेव कर रहे हैं उस पैसे के बारे में किसी को भनक तक नहीं है दस साल में चालीस लाख रुपया इसने इकट्ठा कर लिया है अब वो चाहे तो वो एसेट को रिप्लेस कभी भी कर सकता है दिस इज रिजर्व तो ये जो हम डेप्रिशिएशन दे रहे हैं ना मैंने क्या बोला मैचिंग प्रिंसिपल क्या बोलता है इस खर्चे को तोड़ के दस साल में दिखाओ क्योंकि ये खर्चा इकट्ठा हुआ है इससे आप 10 साल कमाओगे तो मैचिंग प्रिंसिपल बोलता है इस साल का रेवेन्यू है ना उससे इस साल का रिलेटेड खर्चा माइनस करो सैलरी इस साल का है रेंट इस साल का है इलेक्ट्रिसिटी इस साल का है लेकिन जो 40 लाख खर्चा इकट्ठा हुआ था वो इस साल का नहीं है वो इस साल का लेके और नौ साल का है तो उसको तोड़ तोड़ के दिखाया बट कैश आउटफ्लो नहीं हुआ कैश तो वो दहेज वाले पैसे से हो गया था तो मैचिंग प्रिंसिपल बोलता है हर साल तोड़ तोड़ के दिखाओ लेकिन इससे हमारा एक और मकसद परपज सर्व हो रहा है आज से दस साल बाद जब ऐसे रिप्लेसमेंट मांगेगा बोलेगा मुझे बदलो आई एम कंप्लीटली वोन आउट नथिंग इज देयर तो मैं उसको बदलूंगा पैसे कहां से आएंगे सर हमारे पास है सो so, डेप्रिशन देने का मतलब रिजर्व क्रिएट कर रहा हूं मैं फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट इन फ्यूचर ये तो रिप्लेसमेंट हुआ आप और थोड़ा ज्यादा सेफ कर लो और कोई चीज का रिजर्व बना लो फ्यूचर एक्सपेंशन भी कर सकते हैं आप जिसको अपन जनरल रिजर्व बोलते हैं अप्रोप्रिएशन बोलते हो आप डिबेंचर का रिडेम्शन करना है उसका भी आप रिजर्व बना सकते हो बीस लाख रुपया उठाया था ना दो दो लाख का दो दो लाख का आप हर साल और कर लो तो आप प्रॉफिट घर में एक लाख ही बताते फिर तो अकाउंटिंग प्रॉफिट जो हम लोग रिपोर्ट करते हैं वो सब्जेक्टिव मैटर है वो उसमें एसेट की रिप्लेसमेंट डिबेंचर का जो पैसा देना है रिपेमेंट करना है इन सब चीजों को आप अकाउंट फॉर कर सकते हैं जिससे कि आगे आपको दिक्कत ना आए अगर आप ऐसे पूरा सात लाख रुपया लेके बाहुबली की तरह आप घर में घुसेंगे और आप सोचोगे कि नहीं इसमें से मैं चार लाख रुपए एसेट के लिए निकाल दू पचास हजार बच्चे की फ्यूचर के लिए निकाल दू ऐसे कर दू अलग अलग गुल्लक दिखाई देगा आपको लेकिन आज नहीं तो कल वो फूट जाना है इससे अच्छा बताओ ही मत और घर वाले टू बी वेरी ऑनेस्ट दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट प्रॉफिट्स एंड ऑल तो मैंने तीन लाख बताया है मैंने इसमें सेविंग भी कर लिया अकाउंटिंग प्रॉफिट इस तरीके से रिपोर्ट अकाउंटिंग प्रॉफिट में हर एक चीज का आने वाला साल में कोई लॉस होने वाला उसका भी अपने रिजर्व क्रिएट कर लेते हैं कोई फ्यूचर में एक्सपेंशन होने वाला उसका भी अपन जनरल रिजर्व क्रिएट कर लेते हैं डिवेंचर को रिडेम्शन करना है उसका भी रिजर्व क्रिएट होता है एवरी रिजर्व इज क्रिएटेड सब होता है अपने अपने अकाउंट्स नहीं पढ़ रहे हैं अभी मैं खाली आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं अगर किसी ने इलेवन ट्वेल्व में अकाउंटिंग पढ़ा होगा तो आपने सिंकिंग फंड का नाम सुना होगा एन्यूटी मेथड का नाम सुना होगा एन्यूटी मेथड इज एक्जैक्टली टेकिंग इन टू अकाउंट इन्फ्लेशन ऑल्सो बंदा सही कह रहा है बोला आपने चालीस लाख ,00 में खरीदा था आज से दस साल पहले आज आप उसी चीज को रिप्लेस करेंगे तो चालीस का ना आएगा सर वो सत्तर बहत्तर लाख रुपए लगेगा ही टॉकिंग अब इन्फ्लेशन टॉकिंग अब टाइम वैल्यू ऑफ मनी

सो ये डेप्रिसिएशन देने मैंने तो मैंने तो बहुत स्ट्रेट लाइन मेथड यूज किया है 40 बाय 10 इसमें एनुइटी मेथड भी आप यूज कर सकते हैं वो इसमें इन्फ्लेशन आ जाएगा सो डेप्रिसिएशन इज प्योरली अ सब्जेक्टिव मैटर सो दिस प्रॉफिट इज आल्सो सब्जेक्टिव मैटर जैसे एडजस्ट करना है करो जो जो चीज का प्रोविजन बनाना है बना लो थिंक कंजर्वेटिव टिव प्रिंसिपल है हम लोग का तो अपन अभी आज के बाद अपन के बारे में बात नहीं करेंगे अपन कैश फ्लो के बारे, में बात करेंगे. अपन के बारे में बात करेंगे कैश फ्लो के बारे में वी आर गोइंग टू टॉक प्योरली कैश फ्लो नथिंग एल्स क्लियर चलिए तो सबको समझ में आ गया प्रॉफिट और कैश फ्लो में क्या फर्क है चलिए सो so, अब हमने सर का धंधा के बारे में बात होगा तो so, बहुत सिंपल सा है मेरा बिजनेस सो नाउ वी आर गेटिंग इनटू प्रोजेक्ट अप्रेजल हार्दिक आई थिंक आई हैव एंसर्ड योर क्वेश्चन ओके दैट्स कूल सबसे पहले हमको कैश फ्लो प्रेडिक्ट करना है अभी हमने एक साल का कैश फ्लो प्रेडिक्ट किया है दोस्तों कितने साल का एक साल का लेट अस अज्यूम कि हमारे में कोई ग्रोथ नहीं होगा ऐसा मान के चलते हैं कि हमारे कोई ग्रोथ नहीं होने वाला तो आने वाला दस साल में सेवन सेवन लाख का कैश फ्लो होगा हाया ना सो ईयर जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और टेन माइनस फोर्टी सही है ना सात लाख सही है दस साल लाइफ माना है हमने क्लियर सही है ना भाई हाँ धंधा करें कि नहीं करें कर लू ठीक है विल हैव अ शॉर्ट फाइव मिनिट ब्रेक ठीक है एंड देन विल कम बैक विथ आवर डिस्कशन ठीक है फाइव मिनट्स का ब्रेक है वाटर ब्रेक

thank <laughs> you

दिया ना अभी दस मिनट का ब्रेक लंच नहीं किया इसमें मैं लंच दू तो लंच लाना चाहिए था ना पहले से मालूम था तो मेरे को मैं अगली बार से इसमें फूड कॉस्ट भी ऐड करूंगा फिर चलिए लैपटॉप भी बंद हो जाएगा इससे लैपटॉप कैसे चार्ज होगा

जाए जाए तो भाई मैंने अडप्टर लगाया इससे होगा कि नहीं मालूम नहीं मेरे को मैम के लैपटॉप ले गई बैग ले गई चार्जर के साथ चार्जर कहाँ है? बोला तुमने पूछा भी? मैम को बोलना मेरा बेटा उनके पास में भूल नहीं जाएगा <laughs> चलो तो आपने मेरे को बताना है कि मैं ये धंधा करूं कि नहीं करूं चालीस लाख मेरी इन्वेस्टमेंट हो गई है इसके पीछे का सारा कहानी मैंने आपको बता दिया और अगर इस तरीके से चलता रहा आने वाला दस साल तक सत्तर लाख रुपए आएगा तो तीस लाख बच रहा है ना ये उस गवार के लिए जिसको टाइम वैल्यू ऑफ मनी का नॉलेज नहीं है उसके लिए धंधा बहुत अच्छा है लेकिन अगर किसी को टाइम वैल्यू ऑफ मनी का नॉलेज है वो नहीं बोलेगा कि मेरे को धंधा करने का है या बोलेगा आई विल डिसाइड एंड लेट यू नो तो काफी सारे पैरामीटर्स होते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन जब हम करते हैं ना पहला बात ये एक से लेके दस तक आर दिस एक्चुअल फिगर्स और फोरकास्टेड फिगर्स फोरकास्टेड फिगर्स मतलब रिस्क इज देयर सो देअर माइड बी अ केस दैट यू हैव प्रोजेक्टेड योर कैच फ्लोज इन फर्स्ट ऑफ ऑल दीज आर नॉट एक्चुअल दिस इज नॉट एक्चुअल ये फोकास्टेड है इसमें भी वेरिएशंस हो सकता है कैच फ्लोज में बड़ा नॉन एन एवरेज ये आएगा ऐसा उम्मीद कर रहा हूं मैं तो जो भी मैं प्रोजेक्ट अप्रेजल इन्वेस्टमेंट डिसीजन करता हूं ये प्योरली एंटिसिपेटेड डेटा पे होता है इसका खाली एक ही चीज मालूम है आउटफ्लो जो इनिशियल आउटफ्लो है लागत द कैपिटल इन्वेस्टेड दैट आई नो रेस्ट एवरीथिंग इज डिक्टेड फोरकास्टेट तो सत्तर लाख आएगा आने वाले दस साल में आज मेरा चालीस लग चुका है तो मेरे को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए डिपेंड करता है देखते हैं। सबसे पहला बात इफ आई टॉक अबाउट कैपिटल रिकवरी कैपिटल रिकवरी कितने साल में हो रही है फाइव और सिक्स के बीच में राइट right? मैं इन्वेस्टर हूं ना प्रोजेक्ट का पेबैक प्रोजेक्ट में कैपिटल रिकवरी कितने दिन से हो रही है पांच से छह साल पैसे मैंने दिए हैं। ऐसा धंधा बताओ जहां पे चार साल में रिकवरी हो जाए तो मैं पैसे लगाऊंगा नहीं तो मैं पैसे नहीं, नहीं लगाऊंगा चार साल तक पैसे आ जाए तो ठीक है आप कितना कमा रहे हो उसको फर्क नहीं पड़ता पहला पैरामीटर है कैपिटल रिकवरी उसको अपन बोलते हैं पे बैक पीरियड क्या बोलेंगे सो so, पहला अप्रेजल जो है दैट इज बैक पीरियड Number of years in which capital will be recovered, cash flow post payback. ठीक है कैश फ्लो पोस्ट पे बैक नॉट रेलिवेंट पे बैक के बाद का जो कैश फ्लो उससे अपन को मतलब नहीं अपन को कैपिटल कितना दिन में वापस आ रहा है वो हम बताओ तो हम लोग क्या करेंगे इसमें क्यूमुलेटिव कैश फ्लो कर लो क्यूमुलेटिव कैश फ्लो जहां पे जीरो आएगा वहीं पे मेरा पैसा रिकवर हो गया या अगर आप आउटफ्लो कंसिडर नहीं करते हो तो जहां पे चालीस लाख आएगा वो हमारा पे बैक पीरियड हो गया तो मैं आउटफ्लो को कंसिडर करके करता हूं माइनस फोर्टी माइनस थर्टी थ्री माइनस ट्वेंटी सिक्स हो गया ना कहानी या अगर आप इसको कंसिडर नहीं करते हैं सेवन लैख फोर्टीन लैख ट्वेंटी वन लैख ट्वेंटी एट लैख थर्टी फाइव लैख फोर्टी टू लैख एनीथिंग अप टू यू द लोअर द पे बैक क्रिएट द बेटर इट इज जितना जल्दी मेरे पैसे मुझे वापस मिल गए उतना हमारे लिए अच्छा है बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट में बहुत ज्यादा पैसा इन्वॉल्व होता है ये जो प्रोजेक्ट अप्रेजल की जो मैं बात कर रहा हूं ना ये पचास हजार एक लाख का बात नहीं हो रहा है यहां पे बहुत सारा फिगर सबस्टैंशियल नेचर का होता है यहां पे। एक तो यहां कैश कैशलो फोरकास्ट करना पड़ता है दूसरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा है तीसरा लॉन्ग टर्म एक बार पैसे लगा दिए इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट इट बैक ये मैंने साउंड प्रूफ के लिए लगाया है पहले बहुत ज्यादा आवाज आती थी अभी थोड़ी कम आ रही है कोई काम का नहीं है मेरा ये ये जो मैंने डिसीजन लिया इसमें जो मैंने खर्चे किए इरिवर्सिबल है ये टॉय मेकिंग इंडस्ट्री वहां पे जो प्लांटेड मशीन अपन लगाते हैं बच्चों का प्रेफरेंस कब जाता है क्या मतलब कभी आज को पसंद करे कल को बेंटेन है फिर छोटा भीम इट्स चेंजिंग एवरी सिक्स वन डाउन द लाइन हमारे टाइम पे मिकी माउस था टॉम एंड जेरी था चाचा चौधरी यही सब चलता था शक्तिमान बस फोरकास्टिंग फिगर्स सबस्टैंशियल अमाउंट लॉन्ग टर्म इरिवर्सिबल, काफी सारे फैक्टर्स होते हैं फूक फूक के कदम रखना है एकदम पूरा ठंडा दिमाग से सोच के जिनके पास पैसे की प्रॉब्लम नहीं होती ना अंबानी टाइप्स आदमी कहीं पर भी पैसा लगा दिया है कहा नहीं है अंबानी आज मेल्टिंग मनी लाइक एनीथिंग जिस चीज में पैसा लगा रहा है वही सोना हो जा रहा है हार्डली आई फाइंड एनी ऑफिस वेंचर्स इज फेल्ड कैपिटल रिकवरी इज वेरी इंपॉर्टेंट जितना जल्दी पैसा आएगा उतना इन्वेस्टर खुश रहेगा उसके पैसे सेफ हो गए इट गिव्स ए सेंस ऑफ सिक्योरिटी राइट इसको सॉल्व कैसे करना है बहुत सिंपल है फाइव इयर्स में इट इज माइनस फाइव लैख ठीक है अपने को पे बैक पीरियड में जीरो चाहिए और सिक्स इयर्स में इट इज टू लैख सो अपन इंटरपोलेशन लगाएंगे इट्स यूनिटरी मेथड लेट अस टेक इट एज वाई y माइनस फाइव ब्रैकेट क्लोज ऑब्लिक सिक्स माइनस फाइव ब्रैकेट क्लोज पे बैक पीरियड माइनस फाइव सिक्स माइनस फाइव तो इधर में जैसा न्यूमरेटर है वैसा ही न्यूमरेटर इक्वल टू के इधर भी होगा वाई माइनस फाइव है ना तो वाई जीरो जीरो माइनस माइनस ऑफ टू लैख सॉरी फाइव लैख जीरो माइनस माइनस ऑफ फाइव लैख तो प्लस हो जाएगा ना ये ऑब्लिक Six minus five. Two lakh minus of minus five. So this is Y minus five by one. So Y minus five yoga. इक्वल टू फाइव बाई सेवन पांच लाख बाई सात लाख आ रहा है कितना आ रहा है फाइव पॉइंट फाइव पॉइंट सेवन ईयर्स यहाँ पे पॉइंट सेवन मतलब सेवन मंथ नहीं होगा क्योंकि एक साल में बारह महीना होता है पॉइंट so, सेवन को इंटू ट्वेल्व करो एट मंथ्स एट मंथ एंड पॉइंट फोर डेज क्या बोल रहे बोलो क्लास चला क्या बात है बोलो सो रफली मैं इसको क्या लिखूंगा एट मंथ्स अप्रोक्स और भी डिटेल में जाना है तो पॉइंट फोर को इन थर्टी करो तो ट्वेल्व डेज आ जाएगा बट उतना नहीं चाहिए इतना काफी है इन ईयर्स या मंथ्स मैक्स इससे ज्यादा नहीं करना है सामने वाला बोला चार साल में पैसा वापस चाहिए नहीं हो रहा है चलेगा नहीं ठीक है एनीवे anyway, तो पे बैक पीरियड में अपन ओनली कैपिटल रिकवरी इज कंसर्न माय मेन कंसर्न इज कैपिटल रिकवरी ठीक है सो दिस इज वन ऑफ द वे ऑफ डूइंग प्रोजेक्ट अप्रेजल सर आपने अभी बोला चालीस लाख आप आज लगा रहे बाकी सात लाख आपको आने वाला दस साल में मिलेगा सो डोंट यू थिंक दैट डीज आर फ्यूचर वैल्यूज ये सब क्या है और आप डिसाइड कब कर रहे हो आज तो आज से एक साल बाद जो सात लाख आएगा उसका आज का वैल्यू क्या होगा सात लाख से ज्यादा या कम आज से दो साल बाद जो सात लगाएगा उसका वैल्यू और कम आज से तीन साल बाद जो वैल्यू आएगा समझ रहे हैं तो सबको डिस्काउंट करके लाना है और डिस्काउंट के लिए आई क्या है कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कट ऑफ रेट मिनिमम रेट रिक्वायर्ड रेट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पॉइंट तो पॉइंट का फैक्टर क्या होगा वन पॉइंट वन आइए अपन so, क्या करेंगे इसको अपन बोलते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या बोलेंगे नेट प्रेजेंट वैल्यू दैट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो कैश आउटफ्लो दो टाइप का कैश आउटफ्लो है एक कैश आउटफ्लो जो इनिशियल है उसको अलग रखा है और हर साल का भी कैश आउटफ्लो है तो जो हर साल का कैश आउटफ्लो वो हर साल का कैश इनफ्लो से हमने माइनस कर दिया चीज को समझ रहे हैं हर साल का जो कैश इनफ्लो है उससे हमने हर साल का रेस्पेक्टिव कैश आउटफ्लो माइनस किया हर साल का जो खर्चा था टैक्स था तो मेरा नेट कैश फ्लो आए सेवन लैक इज नेट कैश फ्लो ऑफ इच ईयर और जो अलग से वाई जीरो में जो कैश फ्लो लग रहा है वो उसको मैंने अलग रखा है राइट right? हमेशा याद रखना अगर ये पॉजिटिव हुआ वी विल एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट एज इट विल क्रिएट वैल्यू फॉर शेयर होल्डर्स शेयर होल्डर का वैल्यू क्रिएट करके देगा ना Wealth बढ़ाएगा? Value वेल्थ बढ़ाएगा वैल्यू मतलब वेल्थ बढ़ाएगा जीरो ने से एक्सेप्ट करेंगे पंद्रह टका तो कमा के दे रहा है ये डिसीजन रूल है ठीक है समझ में आ रहा है सबको

और 40 लाख आ जाए इसका मतलब तुम्हारा प्रोजेक्ट 15% परसेंट कमा के दे रहा है ना आज आप हजार रुपए लगाते हो आपका फ्यूचर वैल्यू हजार से ज्यादा होता है कि कम होता है तो यहां पर भी तो वही आपने 40 लगाया और आपको फ्यूचर में सात सात लात करके दस तो स्ट्रीम मिल रहा है इसको बोलते हैं स्ट्रीम ऑफ कैच फ्लोस कॉन्स्टेंट कैच फ्लोस तो यहाँ पर एन्यूटी लगा सकते हैं मैं आपको टेबल फॉर्मेट में दिखा रहा हूं बट यू कैन यूज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन ड्यूटी सत्तर माइनस चालीस प्रॉफिट तो है ही भूल जाओ बट इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर नहीं हुआ है उसी को ला रहा हूं अब पिक्चर में पे बैक पीरियड में टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर नहीं हुआ है। देखो क्योंकि तो पे बैक पीरियड क्या बोलता है हमको कैपिटल रिकवरी से मतलब है अभी इसके बाद मैं आपको एक और पे बैक कराऊंगा जहां पे डिस्काउंटेड पे बैक होगा मतलब पहले मैं कैश फ्लोस को प्रेजेंट में लाऊंगा उसके बाद में पे बैकड चेक करूंगा तो इसमें पे बैक कितना आया पांच से छह डिस्काउंटेड वाले में पेबैक क्या आएगा और ज्यादा आएगा क्योंकि मैं डिस्काउंट कर रहा हूं जब कैश फ्लोस को तो प्रेजेंट वैल्यू और गिर रहा है ना अभी मेरा डिस्काउंटिंग फैक्टर था ही नहीं कुछ भी तो सात लाख इज माई कैश फ्लो जब मैं इसको डिस्काउंट करके आज लाऊंगा कम हो जाएगी ना उसका मैं क्यूमुलेटिव लूंगा तो ज्यादा टाइम लगेगा रिकवरी में ये तो भैया नॉर्मल पढ़े लिखे लोगों के लिए है अब हम जैसे पढ़े लिखे लोगों के लिए डिस्काउंटेड पे बैक है जिनको टाइम वैल्यू ऑफ मनी का नॉलेज है ब्याज का गणित सबके पल्ले ना पड़ता ब्याज का गणित सबके पल्ले नहीं पड़ता। तो जिसको ना समझ में आता भाई सिंपल देख लो सर हमें तो ये भी नहीं समझ में आता आप जो कैश फ्लो और प्रॉफिट समझाए हैं कोई बात नहीं आपके लिए अकाउंटिंग रेशियो है साढ़े सात परसेंट इससे खुश हो जाइए साढ़े सात परसेंट का आपका कैपिटल पे रिटर्न है इसमें भी आगे जाके जो लोग पढेंगे आप लोग के करिकुलम में आज नहीं तो कल एक होता है इबिटदा मतलब उसमें बोलता है ऐसा प्रॉफिट लो जिसमें डेप्रिशिएशन नहीं कंसिडर हुआ है काफी सारे वेरिएशन है एनालिसिस लोगों का माइंडसेट पैरामीटर सबका अपना अपना होता है ये सब तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया है मैं सच बता रहा हूं मैंने कोई एनालिसिस नहीं किया यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के पहले है। मेरे घर में सब मेरे से परेशान इसीलिए क्योंकि मैं पहले करता हूँ उसके बाद में सोचता हूं अगर मेरे को सिंपल सा एक चीज मालूम था अगर मैंने अभी नहीं खोला होता तो मैं एक साल बाद ही खोल पाता एवरी वन एज कि अभी शादी है घर में बाद में कर लेते मैंने घर लिया है मेरे इमीडिएट क्लोज में बीस हैं, मेरे खुद के घर में दस लोग रहते हैं उसमें से चारी को मालूम था जब मैंने सब फाइनल कर दिया तब जाके उनको मैंने बताया है और हम तो बॉम्बे देख रहे थे पता नहीं मैप कहाँ दिल्ली घूम गया लोग अलग अलग टाइप के लोग मिलेंगे आपको वन डू एनालिसिस सम डोंट डू लेकिन जहां पे बहुत ज्यादा मनी इन्वॉल्व है ना आपको करना ही पड़ेगा इट्स नॉट अबाउट स्मॉल मनी इट्स योर मनी ओन हार्ड एंड मनी सो यू हैव टू थिंक बिफोर यू इन्वेस्ट वाइज गलत जगह लग गया पूरा पैसा डूब जाएगा राइट right? सो so ये हमारा पे है उन लोगों के लिए जिनको टाइम वैल्यू ऑफ मनी का नॉलेज नहीं है कितना साल में हमारा पैसा हमें वापस मिलेगा अब इसमें भी वेरिएशन आएगा जब आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करोगे तो मैं बाद में कराता हूं पहले मैं आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू तो एक मैंने आपको पे बताया राइट वन इज पे बैक दूसरा हमारा एनपीबी है तो अभी अपन को इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना है राइट सो पी वी आई एफ मैं नॉर्मल नोटेशन यूज कर रहा हूं आप लोग जो करते हो मैं उसको नहीं कर रहा हूं प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर सिंपल पीवीआईएफ, राइट प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन ऐसे ही तो करते हो ना yes. कैसे आता है फैक्टर अगर मेरे को कोई फैक्टर निकालने बोलेगा वन डिवाइडेड बाई वन पॉइंट वन फाइव टू द पावर एन यस और नो तो इधर क्या आएगा वन डिवाइड बाय वन पॉइंट वन फाइव टू द पावर वन आगे फैक्टर इधर करना है तो वन डिवाइड बाय वन पॉइंट वन फाइव टू द पावर टू Lagi okay, ya.

हो गया क्या भैया आ गया ना अब प्रेजेंट वैल्यू सही है पंद्रह परसेंट का भी मुनाफा नहीं दे रहा है पैंतीस लाख का जोड़ आया है भैया लेस पीवी ऑफ आउटफ्लो ये लो आ गया नेट प्रेजेंट वैल्यू आ गया भैया चार लाख का घाटा है सॉरी पांच लाख का अप्रोक्सीमेटली अपने कैलकुलेटर में निकालो अब दिख रहा है टाइम ऑफ मनी लगाया मैंने सिंपल ओ, ऐसे दिख रहा था सत्तर लाख चालीस लाख मन कर रहा था लगा दें कोई भी आदमी लगा देता लेकिन जिसको ब्याज का इंपॉर्टेंस मालूम है जिसको टाइम वैल्यू ऑफ मनी मालूम है जिसको यह मालूम है कि उसके पैसे की क्या कीमत है वो कभी नहीं करेगा यह प्रोजेक्ट कभी नहीं करने वाला वो दिस पर्सन Will not invest into these type of businesses. अब क्या करें इन्वेस्टमेंट कहा इनिशियल अप्रेजल चल रहा है ना नहीं करूंगा हुआ थोड़ी है मैं थोड़ी अकाउंटिंग कर रहा हूं अकाउंटिंग एक ऐसा चीज है जो होने के बाद एनालिसिस होता है जेक्शन हो गए हैं ड्यूरिंग द ईयर सब कुछ हो गया हम लोग एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट निकालते हैं आपको मालूम है अभी कुछ कुछ इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या नियम है हेल्थ केयर में सपोज दस हजार लोगों ने मेडिक्लेम पॉलिसी ली है सभी ने बीस बीस हजार का प्रीमियम पेमेंट किया है तो प्रीमियम का कलेक्शन आ गया हा? और हमने एवरेज में मतलब दस हजार लोगों से अगर हमने बीस हजार करके लिया तो कितना होता है दोस्त अगर मैंने दस हजार लोगों से ये देखो करोड़ है कि क्या है? छोड़ दो फिगर आ गया एक्टो है मैंने 500 लोगों को क्लेम दिया है मैंने 500 लोगों को दो लाख करके क्लेम दिया है या सपोज कर लो मैंने 500 लोगों का मैंने 2 लाख करके क्लेम दिया तो कितना होता है 500 लोगों को मैंने 2 लाख करके दिया है yes. नहीं। मैंने 500 लोगों को सपोज करो मैंने 5 लाख करके क्लेम पास किया है तो माई क्लेम्स पेट इज मोर देन प्रीमियम कलेक्टेड नेक्स्ट ईयर आप लोग का प्रीमियम बढ़ जाएगा नेक्स्ट ईयर प्रीमियम बढ़ जाएगा नेक्स्ट इट विल इंक्रीज मतलब जो भी आपका करेंट ईयर में जिस जो आपका क्लेम्स और प्रीमियम का रेशियो है दे विल मेंटेन ये प्रोडक्ट क्लॉज में लिखा रहता है कुछ कुछ पॉलिसीज में पांच पांच साल के बाद प्रीमियम बढ़ती है तो वहां पे जंप आपको सीधा चालीस परसेंट पचास परसेंट का दिखाई देगा लेकिन देर आर सर्टेन पॉलिसीज़ जिसमें ईयरली जंप होता है दस परसेंट पंद्रह परसेंट तो वो इस तरीके से होता है दिस वन ऑफ द फैक्टर तो ये हुआ नहीं है बेटा ये मैं इनिशियल अप्रेजल कर रहा हूं ये चालीस लाख भी मैंने लगाए नहीं है मैंने अनुमान लगाया कि चालीस हमारा इन्वेस्टमेंट होगा उसमें हमारा ऐसा ऐसा कैश फ्लोज फोरकास्टिंग डेटा इसमें कुछ भी एक्चुअल नहीं है चालीस लाख आज है बाकी सब फ्यूचर का है तो उसमें हमारा प्रेजेंट वैल्यू नहीं लगेगा आप समझो सर आप धंधा खोले हो तो आपका यही प्रॉफिट रहेगा क्या गलत बात है ना आज आपके 200 बच्चे हैं ये 200 आपके अगले साल रहेंगे प्लस नए और सौ जुड़ेंगे तो आपका धंधा ग्रो करेगा आपका धंधा ऐसा नहीं है कि कंसिस्टेंट uh, रहने वाला है टेन ईयर्स इलेवन ईयर्स डाउन द लाइन वेन वी सी आवर मेमोरीज वी टू गो टू होम एंड टीच अभी देख लो सो ग्रोथ इज देर राइट पहले पांच हजार लोग एक्चुअली करते थे अभी पांच लोग एक्चुअली कराने वाला साल में दस हजार लोग एक्चुअली करेंगे उसके बाद पचास हजार लोग एक्चुअली करेंगे वॉल्यूम तो है भैया ठीक है तो अब अपन अपने, अपने इसको चेंज करते हैं लेट अस चेंज अ बिट ठीक है तो लेट अस अज्यूम कि हमारा दो लाख करके हर साल बढ़ रहा है। खाली नीचे वाला फिगर पे ध्यान रखना ठीक है सात लाख नेक्स्ट ईयर नौ लाख देखो चेंज हो रहा है चेंज हो रहा है ना यह अनुमान है ऐसा होगा नहीं बट फिर भी मैं आपको समझा रहा हूं फिर मान लो अगला साल ऐसे बारह लाख हो गया देखो चेंज हो रहा है उसके अगले साल मान लो ऐसे सोलह लाख हो गया चेंज हो रहा है अब हमने नेगेटिव से हम पॉजिटिव में आ गए मतलब हमको पंद्रह परसेंट का तो मुनाफा आ ही रहा है प्लस एक्स्ट्रा इट इज क्रिएटिंग माय वेल्थ इक्कीस लाख अट्ठाईस लाख ऐसे होगा ना धंधा तो ऐसे ही पड़ेगा भैया अब आप समझ रहे मैंने क्यों नहीं हिसाब किया लगाते वक्त नहीं ये ठीक है ये डिसेंट है सच है कि नहीं तो वक्त बताएगा ना मैं कैसे बताऊंगा तो इस तरीके से हो सकता है वॉल्यूम विल इंक्रीज आपका चेंज हो रहा है गेम फैक्टर मतलब पंद्रह टका तो आ ही रहा है उसके अलावा नब्बे लाख का वेल्थ क्रिएट हो गया है आज के दिन पे आज के दिन पे नब्बे लाख ये सब प्रेजेंट है ये सारे फ्यूचर को मैंने प्रेजेंट में कन्वर्ट कर लिया है उस हिसाब से मेरा आज के दिन का नब्बे लाख का वेल्थ है चालीस लाख का इन्वेस्टमेंट तो रिकवर हो ही गया प्लस मेरा नब्बे लाख का वेल्थ है आज के दिन बेसिस पे तो एनपीवी आपको बताता है एनपीवी आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी कंसिडर करता है बट ये जो आपने अज्यूम किया है यहां अगर लोचा हो गया ना पूरा गेम आपका चल जाएगा ये गड़बड़ नहीं होना चाहिए कैश फ्लोस जो प्रेडिक्ट कर रहे हो आप क्या पैरामीटर्स लिया आपने पास दस साल का रिकॉर्ड देखिए उसके बेसिस पे आप आने वाला दस साल प्रेडिक्ट कर सकते हो ये तो मैंने अभी कुछ भी नहीं बताया है आने वाले दस साल में अगर वॉल्यूम इस तरीके से बढ़ने लगा ना तो ये जो सोलह हजार आप देख रहे हैं ना एवरेज कॉस्ट ये नौ हजार पे आ जाएगा ये जो सोलह हजार का जो एवरेज कॉस्ट है लार्जर इकोनॉमीज ऑफ स्केल विथ एआई टेक्नोलॉजी आर हाईली टेक्नोलॉजी वेबसाइट से पेमेंट करो अपने आप क्लास जा रहा है एक बंदे का सैलरी गॉन दो तीन बंदे ऐसे थे जिनका काम यही था एडमिशन देने का उनको निकाला नहीं है दूसरे काम में लगा दिया है ये होगा इकोनॉमीज ऑफ स्केल जैसे जैसे बढ़ेगा आपका वॉल्यूम उतना अच्छा होगा मतलब कॉस्टिंग uh, में फर्क पड़ेगा आपका सो so, मैंने आपको एनपीपी दिखा दिया राइट right? मैंने आपको पे बता दिया अभी अपन को करना है डिस्काउंटेड पे ठीक है डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड में सेम सेम एज पेबैक पीरियड सेम एज पे बैक पीरियड बट एक चीज याद रखना टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज कंसिडर्ड हियर अपन यहां पर टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करेंगे तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर करना है तो ये हमारा हो गया कैश फ्लोस पहले प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे फिर क्यूमुलेटिव करेंगे दस साल में भी पे बैक नहीं हो रहा है दस साल में भी पे बैक नहीं हो रहा है दोस्त ठीक है अब मान लो अगर मैं इसको चेंज कर दूं थोड़ा तो सात से आठ साल में पे हो रहा है बाकी का मैंने चेंज नहीं किया है अगर मैं बाकी का भी कर दू पांच से छह साल में पेबैक हो जा रहा है अब ऊपर वाला चेंज नहीं होगा पांच से छह साल में पेबैक हो रहा है ऐसा फिगर में पोस्ट फर्क नहीं पड़ता वंस पे बैक इज डन पोस्ट से मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा है सॉरी पे बैक चार से पांच में हो रहा है तो नीचे क्या फिगर्स है उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता नीचे वाले फिगर से कोई लेना देना नहीं है अब कितना भी कमाइए क्योंकि मेरा कंसर्न पे बैक कैपिटल रिकवरी है माई कंसर्न इज नॉट प्रोफिटेबिलिटी माई कंसर्न इज नॉट कैच फ्लोज तो फोर्थ से फिफ्थ के बीच में अगेन वो वाला फंडा यूज करेंगे फोर में इतना वाई में अपने को फोर्टी चाहिए कैसे करोगे इसको फोर ईयर्स में ये वाला फिगर है टू नाइन नाइन थ्री जीरो फाइव जीरो वाई में अपने को चालीस चाहिए और फाइव में मैं कितना चला गया ठीक है क्लियर सो कैश फ्लोज का प्रेडिक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट इस तरीके से आपको करना है तो मैंने आपको पे बता दिया कैपिटल रिकवरी मैंने आपको डिस्काउंटेड पे बता दिया राइट right? मैंने आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू बता दिया ठीक है चलिए बाकी का कल करेंगे फिर थैंक यू सो मच <laughs>